मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है, जहां सीटू यूनियन और मध्य प्रदेश किसान सभा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सोमवार को बस स्टैंड पर सीटू यूनियन ने अनुविभागीय अधिकारी को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कृषि उत्पाद में एमएसपी की गारंटी, मनरेगा के कार्य में कम से कम 200 दिन का रोजगार, मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए किए जाने और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। इसके साथ ही सीटू यूनियन का कहना है कि कुछ ग्राम पंचायतों चोई और पाडरिया के महिलाओं के साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां दलालों के साथ साठगांठ कर करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। कार्यवाही नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अनूपपुर से ओमकार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 16 तारीख को पूरे देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया था, जिसके समर्थन में एमएसपी की गारंटी, फसल बीमा को लागू करवाए जाने की मांग, मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपये दैनिक मजदूरी, ये आदि मांगों को लेकर के हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान का समर्थन किया है। साथ ही साथ जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे जनपद पंचायत जतहरी के ग्राम पंचायत धनगवां, पड़रिया और चोई में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रबंधन और वहां की स्थानीय दलालों के मिली भगत से यहां महिलाओं 40 से 50 महिलाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध किए जाने और महिलाओं को कर्ज से मुक्ति के लिए जो आरोपी गण हैं उनकी चलाचल संपत्ति को कुर्क करवाए जाकर वसूली किए जाने की मांग को लेकर के हम नई महिलाएं यहीं खड़ी हैं। लगभग 50 महिलाएं इसमें पीड़ित हैं इस शिकायत में, और 50 के बयान हो गए हैं, लगभग सभी के हो गए। तो माया के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने के? माया के खिलाफ जो है उन्होंने कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़ा। जो भी पैसा रकम निकला है, जहाँ अभी बैंक में जानकारी 12 बैंक में, और बैंक 12 बैंक से जानकारी एकत्र करने में थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। कौन कौन से बैंक है सर? और बैंक मैं अभी कंठस्थ नहीं बता सकता, 12 बैंक उसमें संबंधित है, छोटे छोटे बैंक हैं। ये महिलाएं जो हैं जहाँ जहाँ से लोन ली है। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अब कार्रवाई लगभग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बैंक से जैसी जानकारी आ जाती, क्योंकि साक्ष्य कहीं छोड़ा नहीं है उन्होंने। उनके संबंध में दिल्ली में जाँच करवा कर जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, और एक ये इसमें अनुग्रह राशि का मिला है आपने, इसमें भी विधिवत जाँच करवा है संबंधित पक्षकारों को, जो भी शासन योजना के पक्षकारी है। मायाबाई राठौर ने सेंटर चलाती थी, हमारे सभी महिलाओं को एकत्रित करके और एजेंटों को फ़ोन करके बुलाती थी, अपने घर बैठ के वो लोन पास करवाती थी। लोन पास करवाने के बाद वो सभी का पैसा ले लेती थी अपने घर में बुला के। तो आपको पता नहीं चला कि आपका पैसा ले लिया जा रहा है माया राठौर के द्वारा? हमको पता चल रहा था, लेकिन वो हमको दबाव दे रहा था कि ये पैसा निकलवा दो, ये हमारा पैसा है, आपका पैसा नहीं, हमें किस्त छूट। कोई शिकायत की आपने थाने में? शिकायत करने का मौका नहीं दी सर। पति पूरनलाल राठौर और बेटा नोहर। किस प्रकार से धोखाधड़ी हुआ है आपके पास? धोखाधड़ी इस प्रकार से हुआ है कि मेरे बैंक से जो लोन निकलवाते थे हम लोग, तो अपने नाम से निकलवाते थे, तो वो ले लेते। ये कैसे हो सकता है, आपके नाम से लोन दूसरे के ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो हाँ। हमारे से ये बोल रही थी कि ओडी लगवा देंगे अगर ना निकलवाओ। आपके खाते में पैसा आया लोन का? हाँ आया है मेरे नाम से। आया, फिर कैसे ट्रांसफर हुआ उसके नाम पे? वो उसके बेटे आके मेरे से निकलवा के तुरंत पैसा ले लिया।